आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती, कानून पर अदालत ने नहीं लगाई रोक, केंद्र से मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भीड़ ने घेरा, कैलाश बोले कोई नहीं सुरक्षित। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा, किसानों के मसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। एमसीयू के छात्रों को निकालने का मामला पहुंचा विधानसभा, सरकार ने कहा छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। और सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा घुसपैठियों को लात मारकर भगाएंगे, कवासी लखवा बोले कांग्रेस मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कानून पर रोक नहीं लगाई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जरूर दाखिल किया है, इसके बाद अब केंद्र को इन याचिकाओं में लगे आरोपों का कोर्ट में जवाब देना होगा। कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और त्रिपुरा राज परिवार से संबंध रखने वाले प्रद्योत किशोर देव वर्मन समेत कुल 59 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय में 59 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिन्हें दायर करने वाले ज्यादातर राजनेता हैं जो सांसद या पूर्व सांसद हैं। इनमें जयराम रमेश और बर्मन के अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, एएमआईएम के सांसद असुबुद्दीन ओवैसी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि शामिल हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस कानून पर रोक नहीं लगाई है। नागरिकता संशोधन कानून में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ज्यादातर याचिकाओं में कानून को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताते हुए संविधान के मूल ढांचे का उल्लेख करने वाला बताया गया है। जयराम रमेश की याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला और 1985 के असम समझौते के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा है कि कोर्ट घोषित करे कि नागरिकता संशोधन कानून अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ये कानून संविधान में प्राप्त बराबरी और जीवन के अधिकारों का सीधा उल्लंघन करता है। पश्चिम बंगाल में दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुर्शिदाबाद जाते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को नवग्राम के पास दंगाइयों की भीड़ ने घेर लिया। उनकी गाड़ी के दोनों तरफ भीड़ जमा हो गई। भीड़ से घिरे विजयवर्गीय ने एसपी और डीजी को भी फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजक सरकार के रहते कुछ भी हो सकता है, यहां किसी की जान सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल में भीड़ से घिर गए। लोग उन पर अटैक करना चाहते थे। जैसे तैसे विजयवर्गीय के सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान भीड़ से घिरे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे भीड़ ने घेर लिया है, एसपी और डीजी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जाते हुए मुझे नवग्राम के पास मुस्लिमों की बड़ी भीड़ ने घेर लिया है। मेरी गाड़ी के दोनों तरफ भीड़ जमा है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, एसपी और डीजी भी फोन नहीं उठा रहे। पश्चिम बंगाल में अराजक सरकार के रहते कुछ भी हो सकता है, यहाँ किसी की जान सुरक्षित नहीं है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने किसानों की परेशानी को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना तो किसान का कर्ज माफ हुआ है और ना ही किसानों को अतिवृष्टि में खराब फसलों का मुआवजा दिया गया है। रात रात भर किसान अपने परिवार के साथ यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनों में लगे और मजबूर हो गए हैं। किसानों की हालत खराब है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। विधानसभा सत्र में भाजपा विधायकों ने किसानों की परेशानी को लेकर पीले रंग के बैनर पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में किसान परेशान हो गया है, किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई है, जिससे किसान बैंक से डिफॉल्टर घोषित हो रहा है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि किसानों को सब नगद में लेना पड़ रहा है। किसान यूरिया खाद नगद और ब्लैक में लेने पर मजबूर है। अतिवृष्टि में
खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और फसलों का भी सही दाम नहीं दिया जा रहा है। शिवराज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और किसान रात रात भर यूरिया के लिए परिवार के साथ लाइन में खड़े होने पर मजबूर हो गया है। कमलनाथ सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। और सबसे बड़ा संकट इस समय है यूरिया का संकट। भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में यूरिया प्रदाय करने के बावजूद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। रात रात भर लाइनों में खड़े होके बूढ़ी माताएं बच्चे भी लाइनों में खड़े, संगीनों के साए में एक एक दो दो बोरी यूरिया मिलते ही ये सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। ब्लैक में 500 रुपया बोरी यूरिया उपलब्ध है और कई जगह किसानों को विवश और मजबूर किया जा रहा है कि यूरिया के साथ डीएपी भी ले तो 1700 रुपया में यूरिया की एक बोरी पड़ रही है। कर्जा माफी की घोषणा के कारण जिन किसानों ने पैसा नहीं भरा वो डिफॉल्टर हो गए। मध्य प्रदेश विधानसभा में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मामला गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री ने जब 23 छात्रों के साथ नाइंसाफी का मामला उठाया तो सत्ता पक्ष के गोविंद सिंह ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी ओर भोपाल के पत्रकारों, समाज सेवियों और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने प्रबंधन से दो टूक कहा कि इन छात्रों से नाइंसाफी बंद की जाए और परीक्षा में बैठने दिया जाए। दो प्रोफेसरों की जातिगत टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र टिप्पणी करने वाले प्रोफेसरों को हटाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 23 छात्रों को अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया। अब निलंबित छात्रों के समर्थन में 23 छात्र पर दर्ज जो एफआईआर का मामला है उसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में उठाया है और कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। वहीं छात्रों ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था लेकिन पुलिस द्वारा छात्रों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। बच्चे घायल हुए लेकिन उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया। छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जायज मांग उठाने पर छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। एमसीयू की अपनी शाख है, ये छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी एमसीयू के छात्रों का समर्थन किया और सरकार से छात्रों के साथ न्याय की मांग की। मध्य प्रदेश को पत्रकारिता के क्षेत्र में एक गौरव के रूप में देखा जाता है लेकिन तकलीफ है ये कहते हुए कि आज उसी विश्वविद्यालय में मांग कर रहे विश्वविद्यालय के छात्रों तक जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, उनको घसीट के नीचे ले जाया गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी की उंगली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया और बाद में 20 किलोमीटर दूर बिलखरिया थाने में ले गए। आतंकवादियों की तरह उनसे सलूक हुआ, खदेड़े गए परिसर से, मारपीट की गई। आखिर उनका दोष क्या था, अपराध क्या था? अपराध उनका केवल इतना था कि वो अपनी कुछ मांगों को कुलपति जी के सामने, विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रख रहे थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा करने वाले लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलेंगे, बच्चों को क्रश कर दिया जाएगा, उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के निलंबन करने, परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करने और एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में और छात्रों के समर्थन में बड़ी संख्या में पत्रकार, समाज सेवी और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय में समाज सेवी संगठनों और छात्रों ने प्रदर्शन कर कुलपति का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। इस बीच भारी पुलिस बल तैनात रहा। छात्रों के निलंबन आदेश को निरस्त कराने के लिए और छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और वरिष्ठ पत्रकारों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात की। अब इस बीच एमसीयू प्रशासन ने 23 में से 3 छात्रों का निष्कासन रद्द कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छात्र रवि भूषण सिंह और पत्रकारिता विभाग के विपिन तिवारी और विधि सिंह का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। और वहीं 3 विद्यार्थियों के निष्कासन रद्द करने के बाद
निष्कासित 23 छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की इजाजत भी दे दी गई है, लेकिन सभी को अंडरटेकिंग देना होगी। पिछले 15 दिनों से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कि पत्रकारिता का JNU है, वहां पर सामाजिक विद्वेष फैलाने की बहुत कोशिशें की जा रही है। कोई षड्यंत्र है, साजिश है, इसका हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसका शिकार 23 बच्चे हुए हैं जो बहुत भोले वाले हैं, जो राजनीति नहीं समझते, वो सिर्फ पत्रकारिता की पढ़ाई करने यहाँ पर आए। हमारा प्रबंधन से अनुरोध है कि उनका निष्कासन वापस लिया जाए और उन पर जो FIR की गई है वो वापस ली जाए। इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र होने के नाते वो भोपाल में जर्नलिज्म कर रहे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब के जितने भी पत्रकार हैं वे सब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, और फ्रंट लाइन के रिपोर्टर्स जो हैं या डेस्क के साथी हैं वे सब इन छात्रों के साथ हैं। और बार बार हम ये प्रशासन से और कुलपति महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि ये छात्रों का निष्कासन हुआ है, ये बिना शर्त वापस लिया जाए। दिलीप मंडल जो ट्विटर पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि RSS का समर्थक लोग थे इसलिए जो है उनको निष्कासित किया, अरे कोई से भी समर्थक थे आप जांच करिए, अगर उनने कार्रवाई करी है, गलत काम किया है तो आपने FIR तो कराई दी, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन उनका भविष्य बर्बाद करने का प्रयास करेंगे तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टिप्पणी को लेकर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ छात्र हुए हैं, हमारे मुझसे बात करते हैं किस जीप चीज को लेकर प्रदर्शन है, किस बात को लेकर जिस प्रकार से यहाँ जो विश्वविद्यालय द्वारा 23 छात्रों को निष्कासित और 10 छात्रों के ऊपर FIR की गई है बिना किसी कारण, आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्या अपनी आवाज नहीं उठा सकते? जब वो विद्यार्थी किसी एक प्राध्यापक द्वारा जाति सूचक शब्द से वो कहने का अपमानित कर रहे थे, उनको निष्कासित करने के लिए वो विद्यार्थी आंदोलन किया, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थे उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए छात्रों के ऊपर कार्रवाई की गई, पर कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय जातिवाद में बांटना चाहता है, ये पैदा करना चाहते हैं, जिस कुलपति को उनके ऊपर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि तुरंत जिन छात्रों के ऊपर जो FIR हुई है वो FIR कुलपति महोदय वापिस ले, जिन छात्रों को 23 छात्रों को निष्कासित किया है उन छात्रों का निष्कासन बहाल करे, और जो अपराधी है, जो दोषी है प्राध्यापक दिलीप मंडल, मुकेश कुमार, उनको अभी तुरंत ही एक घंटे के अंदर उन्हें हटाया जाए, और खुद कुलपति से भी हम मांग करते हैं वो भी इस्तीफा दे। तो इनका साफ कहना है कि कुलपति जी इस्तीफा दे और ना हो। हम आपको बता दें कि विधानसभा में भी एक सवाल पूछा गया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है वहां पर जातिगत टिप्पणी को लेकर जो हंगामा हुआ उसके बाद छात्रों को घसीटकर पुलिस ने बाहर निकाला था और मारपीट की गई थी, छात्रों के ऊपर FIR दर्ज किया गया था जिसको लेकर निष्कासन की मांग की गई, वही सरकार से शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार इस पर सख्त एक्शन उठाए और जो छात्रों के ऊपर FIR दर्ज की उसको वापस ली जाए। अब देखना यह होगा कि कमलनाथ सरकार इस विषय में क्या करती है, क्या कुलपति इस्तीफा देंगे या कुलपति इस्तीफा नहीं देंगे या वो अपने वक्तव्य को वापस लेंगे, क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। विधानसभा में कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें अतिथि विद्वानों को राहत देते हुए नियमितीकरण को लेकर समिति का गठन किया जाएगा। वहीं एक अन्य बड़े निर्णय में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गए पट्टे पर मालिकाना हक दिया जाएगा। अब तक इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला था, इसकी वजह से पट्टा धारक कर्ज लेने में असमर्थ होते थे और ना ही जमानत ले पाते थे। कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी, PC शर्मा और गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी अतिथि विद्वान को उसकी सर्विस से निकाला नहीं जाएगा, इनकी सेवाओं को जारी रखा जाएगा। इससे नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे अतिथि विद्वानों को राहत देने की कोशिश की गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि इसके लिए अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर समिति का गठन किया जाएगा। हमने एक नीति बनाई कि योग्यता के आधार पर जिसका जितना अनुभव है, जो MPhil है, जो PhD है, जिसके पास स्लेट है, नेट है, योग्यता के अनुसार उसको अवसर पहले मिलना चाहिए। जो प्रोसेस है, जो न्याय है, उसी का हमने धारणा को मूल रूप दिया है। और मैं सारे अतिथि विद्वान भाइयों से फिर कहना चाहता हूँ, एक भी अतिथि विद्वान अपनी सर्विस से बाहर नहीं होगा, आदरणीय कमलनाथ जी के निर्णय की महत्वपूर्ण भाव है। वही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गए पट्टों पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
अब तक इन पट्टा धारकों को मालिकाना हक नहीं मिलता था। इसकी वजह से पट्टा धारक कर्ज नहीं ले पाता था और उसे जमानत भी नहीं मिल पाती थी। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 244 में संशोधन किया गया है। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों और रोहिंग्यांगों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम उनको लात मार कर भगाएंगे। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन बिल के लागू न होने के चलते रीवा कलेक्ट्रेट के सामने भाजपा ने धरना दिया। भाषण के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि विदेशी नागरिक जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लात मार कर भगाएंगे। इसके बाद सांसद जनार्दन मिश्रा थोड़ा सा बहक गए। उन्होंने कहा कमलनाथ हो चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो हमें रोक कर दिखाएं। एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, अब से तुम बोल देना कि हम यहाँ नागरिकता नहीं देंगे। नागरिकता तुम दोगे, तुम्हारी सोनिया गांधी देंगी, तुम्हारे बाप भी देंगे और तुम्हारे परदादा जवाहरलाल नेहरू को भी देना पड़ेगा। कमलनाथ हो चाहे पंजाब का मुख्यमंत्री हो रोक के हिम्मत हो तो दिखाओ। एक्ट बन गया है, कल राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं, अब परसों से तुम बोल देना कि हम यहाँ नागरिकता नहीं देंगे। नागरिकता तुम दोगे, तुम्हारी सोनिया गांधी देगी, तुम्हारे बाप देंगे, तुम्हारे परदादा देंगे, जवाहरलाल नेहरू को देना पड़ेगा। यहाँ नागरिकता कोई रोक सकता है? नागरिकता रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायक और छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा अपने ऊटपटांग बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन बयानों के जरिए वे मीडिया में भी छाए रहते हैं, मगर लखमा का बयान उनकी पार्टी पर हमेशा भारी पड़ता है और इस बार तो लखमा ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा डाले, साथ में अपने समर्थकों से भी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए और ये वीडियो वायरल हो गया। अब ये वायरल वीडियो पार्टी की नई मुसीबत बन गया है। कलम भले ही ना चला पाते हो मगर जुबान बहुत तेज चलाते हैं। लखमा की जुबान इतनी तेज चलती है कि फिसल ही जाती है। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा का अंदाज ही निराला है। उन्हें सिर्फ बोलने से मतलब होता है, वे क्या बोलते हैं शायद उनको भी नहीं पता होगा। ये उनकी सादगी है या ना समझिए, राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है, सिर्फ वही समझ सकते हैं। वे अनपढ़ हैं, हालांकि वे लखमा लिख लेते हैं, कलम नहीं चला पाते मगर भाषण फर्राटे से देते हैं। हाल ही में वे अपने प्रभार वाले महासमुंद जिले में पहुंचे जहां कांग्रेसियों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस पूरे कार्यक्रम में हैरानी तब हुई जब लखमा ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगाया और ये यही नहीं रुके, उन्होंने सभी कांग्रेसियों से मुर्दाबाद का नारा लगवा दिया। अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मित्रों, महासमुंद के हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री परम आदरणीय वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा साहब आए हैं। महासमुंद जिले के समस्त कांग्रेसजनों से अनुरोध करूंगा जोरदार तालियां बजाएं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी सेंटर में बनी विशालकाय लॉ सफाई इमारत को गिरा दिया है। भाजपा शासनकाल के एक मंत्री के नजदीकी कहे जाने वाले राजकुमार उर्फ राजू कुकुरेजा की इस इमारत के निर्माण की मंजूरी को 2.5 महीने पहले ही नगर निगम ने निरस्त कर दिया था। ग्वालियर प्रशासन का माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। राजकुमार कुकरेजा के साथ ही इस भवन के पार्टनरों में उनकी पत्नी सोनिया कुकरेजा सहित कारोबारी ललित नागपाल, वंदना नागपाल और कुशाग्र नागपाल के नाम शामिल हैं। इन दिनों इमारत में फिनिशिंग का काम चल रहा था। सिटी सेंटर में 672 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाई गई इस 4 मंजिला इमारत की लागत 5 करोड़ बताई गई है। इस नवनिर्मित इमारत को गिराने का काम भारी पुलिस बल के साथ शुरू हुआ। 2.5 माह पहले ही नगर निगम ने इस इमारत की निर्माण मंजूरी को निरस्त कर दिया था। इसको लेकर निर्माणकर्ता न्यायालय भी गए थे लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई। नाम की जो बिल्डिंग है ये ललित नागपाल ओनर है,
नादानी कार्रवाई। पिछले दिनों भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें ग्वालियर में भूमाफिया के रूप में राज कुकरेजा का नाम सामने आया था। तभी से सबकी निगाहें सिटी सेंटर की इमारत के साथ रॉक्सी चौकेज के पास निर्माणाधीन एक इमारत और अन्य जमीनों पर लगी थी। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को ग्वालियर के लोगों ने ही बताया था कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का करीबी राजू कुकरेजा का हाल भी इंदौर के जीतू सोनी जैसा है। उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजू कुकरेजा पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। एंटी माफिया अभियान के तहत पूर्व में निगम द्वारा तैयार की गई 76 नामों की सूची के बाद 21 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कार्रवाई को लेकर मंत्री विधायक व अधिकारियों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई का तरीका बदला है। इधर कांग्रेस विधायक मुन्ना लाल गोयल ने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह को पत्र लिखकर माफिया विरोधी मुहिम पर सवाल उठाए हैं। विधायक ने लिखा है कि पहले नगर निगम के अधिकारियों ने लूटा, अब तोड़फोड़ का खौफ दिखाकर चौथ वसूली का नया कारोबार शुरू हो रहा है। ग्वालियर में की जा रही कार्यवाही से आज जन का फीडबैक हमारे खिलाफ जा रहा है। इसमें नगर निगम चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। विधायक मुन्ना लाल ने पत्र में लिखा है कि सरकार की मंशा बड़े भूमाफिया और बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, मध्यवर्गीय व आम जन को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। लेकिन इस मुहिम में छोटे मोटे अतिक्रमण हटाने से लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो रहा है। विधायक मुन्ना लाल गोयल ने सरकार को सुझाव दिया कि शहर में तोड़फोड़ व विकास कार्यों के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए। सिंगरौली में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल के समर्थन में भाजपा ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस बेवजह लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पर राजनीति कर रहे हैं। समर्थन न करने का उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। सिंगरौली के बैढ़न में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल के समर्थन में भाजपा ने धरना प्रदर्शन दिया। भाजपा का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक कानून से कोई आहत नहीं होगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के सभी समाज के व्यक्तियों का होता है। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, जिसमें उन्होंने इस कानून का समर्थन नहीं करने के लिए कहा है। भाजपा ने कमलनाथ सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हितकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि पूरे भारतवर्ष के ऐसे शरणार्थी जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर भारतवर्ष में रह रहे थे लेकिन उनको नागरिकता नहीं प्राप्त हो रही थी, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत में उन शरणार्थियों को कोई जगह नहीं प्राप्त होगी। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य और गौरव की बात होगी। इतने दिनों बाद भारतवर्ष में उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के सपोर्ट में आज इस मध्य प्रदेश सरकार को हमने चेताया है कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करें जो कि जनहित में है। छतरपुर में बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ से तत्काल नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की मांग की। छतरपुर में बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि वह तत्काल नागरिकता संशोधन कानून को लागू करें। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री ललिता यादव की अगुवाई में यह प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय से शुरू हुआ। बीजेपी नेता कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे और कमलनाथ सरकार को झूठे वादे करने वाली सरकार बताया। कमलनाथ के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कमलनाथ सरकार को नागरिक संहिता कानून को लागू करने का आदेश कमलनाथ सरकार को देने का अनुरोध राज्यपाल से किया गया।
हम किसानों के 2 लाख के बिल माफ़ करेंगे, आज तक बिल माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कि हम बिजली का बिल हाफ करेंगे, आज 6-6, 8-8 हज़ार लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं। आप ये भी जानते हैं युवाओं के लिए उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक युवा बेरोजगारों को कुछ नहीं दिया। ये झूठी सरकार, ये विफल सरकार है। 1 साल में लोग त्रस्त हो गए हैं, शिवराज मामा को याद करने लगे हैं। हम लोगों ने जिस तरह से हमारी कैबिनेट ने ऐतिहासिक काम किए थे वो सारे विफल है। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहती हूँ, भले ही आप उनके नाम बदल देते योजना के, लेकिन जनता ने आपका क्या बिगाड़ा था, आपको मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम जन कल्याणकारी योजनाएं बंद तो नहीं करते। उन्हें हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख, ऐसे जो अपने यहाँ शरणार्थी हैं, उन शरणार्थियों को अपन भारत की नागरिकता दे सकें, ऐसा इस कानून का बिल पास हुआ है, जो केंद्र सरकार ने पास कर दिया, राज्य सरकार ने पास कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने भी इसको मंजूरी दे दी। अब यहाँ जो कांग्रेस सरकार है इस बिल को मानने के लिए नहीं तैयार हो रही है, उस तारतम्य में हम लोगों ने आके कलेक्ट्रेट में आके माननीय राज्यपाल महोदय को ये बिल दिया। नागरिकता संशोधन विधेयक जो अभी भारत सरकार के द्वारा पास किया गया है, उसको मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध जो है राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। वो ज्ञापन जो है माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए मांग है उनकी। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत करीब 2700 करोड़ से बनने वाले प्रस्तावित बांध के विरोध में 35 गांव के आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस बांध के निर्माण से 3 जिलों के करीब 100 गांव डूब में आएंगे। गंजाल मूरना नदी पर सेवनी मालवा क्षेत्र में बनने वाले इस बांध को लेकर आदिवासी कलेक्टर से मिलने होशंगाबाद पहुंचे। ग्रामीणों की जब कलेक्टर के बाहर होने के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीण कड़कड़ाती ठंड में कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे रहे तो 8 घंटे बाद कलेक्टर धनंजय सिंह को ग्रामीणों से बात करने के लिए आना पड़ा। रात में करीब 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उन्हें समझाया गया। इस दौरान SP ML छारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हम ये समस्या लेके आए हैं कि मोरन बांध नहीं बनना चाहिए, क्यों कि हम गरीब आदिवासी लोग बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चा और हमारी खेती बाड़ी सब डूब में चली जाएगी है? ये समस्या लेकर आपके कलेक्टर महोदय के ऑफिस में आए हुए हैं। हमारा कहना था, सर ने बोला कि इस परियोजना का काम बहुत बाकी है, लेकिन सर को हमने बोला, अवगत कराया कि परियोजना का सर्वे हो चुका है, वो सर्वे का रिपोर्ट दिल्ली में भेजा जा चुका है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उसका टेंडर भी लगा दिया। ये 2 बांध एक साथ बन रहे हैं, एक गंजल नदी पे, एक मरण नदी पे, इसको नर्मदा घाटी की एक बड़ा बांध समझ लीजिए, 29 बड़े बांधों से एक बड़ा बांध है। इस बांध से हरदा, होशंगाबाद, बैतूल 3 जिला डूब में आ रहे हैं और 95% से ज्यादा आदिवासी है, बाकी पिछड़े वर्ग हैं। तो ये सारे आदिवासी क्षेत्र में ये परियोजना ला रहा है जो गैर कानूनी है। इस बांध से 3 जिलों के करीब 100 गांव डूब में आएंगे। बांध पर करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसके टेंडर भी जारी हो गए हैं। मोरन नदी मुलताई से निकलती है और सिवनी मालवा में गंजाल में मिलती है। गंजाल नदी हरदा जाती है, इसलिए बांध बनने पर तीनों जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। करीब 60,000 हेक्टेयर जमीन पर फसलों की को सिंचाई की सुविधा इस बांध से मिलेगी। वहीं ग्रामीण चाहते हैं कि ये बांध ना बने। कलेक्टर ने ग्रामीणों को समझाया कि ऐसा कह पाना संभव नहीं है। 28 दिसंबर को इस संबंध में मौके पर NVDA के अधिकारियों के साथ चर्चा कर कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसके बाद ग्रामीण वापस लौट गए। गौरतलब है कि इस बांध के बनने से हरदा, बैतूल, होशंगाबाद जिले के 35 गांव पर असर पड़ेगा। बांध के लिए सर्वे किया जा रहा है, इसके बाद से ग्रामीण आदिवासी परिवार घबराए हुए हैं। मालवा विकास खंड से कुछ हमारे ग्रामीण आए हैं, उनका बांध के निर्माण को लेकर उनकी कुछ आपत्ति है, तो उसके संबंध में जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट NVDA के अधिकारियों के साथ हमने चर्चा की है और ये निर्णय लिया है कि हम गांव में जाकर उनकी जो विषय है उनके संबंध में चर्चा करेंगे और जो जिस स्तर पर समुचित स्तर पर इसका जो निर्णय होगा तदनुसार इस पर नियमानुसार कार्य करेंगे। नहीं, ऐसा कोई अभी आश्वासन जैसा कोई विषय नहीं है। अभी जो विषय है वो भी चर्चा होगी, हमारे सारे अधिकारी सभी विभाग के जाके और इस विषय पर संपूर्ण चर्चा करेंगे।
कमलनाथ सरकार ने जीतू सोनी को चारों ओर से घेराबंदी करके उसे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना बना दिया हो, लेकिन लोगों की राय लोक स्वामी अखबार को लेकर खराब नहीं है। पुराने नेता कवि सत्यनारायण सत्तन ने लोक स्वामी अखबार की बेबाकी को बयान किया है। इंदौर के जीतू सोनी को बड़ा अपराधी मान भी लिया जाए, उसके बाद भी एक सवाल यथावत खड़ा है कि सरकार ने उनके अखबार साझा लोक स्वामी को क्यों निस्तेनाबूद किया। क्या कमलनाथ सरकार को लोक स्वामी में हो रहे हनी ट्रैप के खुलासे से कोई खतरा था? इस सब का खुलासा देर सवेर हो ही जाएगा। इंदौर के लोगों का लोक स्वामी पसंदीदा अखबार रहा है, जो हमेशा काले कारनामे करने वालों का खुलासा करता रहता है। अब साझा लोक स्वामी मामले पर राष्ट्रीय कवि व भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन का बयान सामने आया। सत्तन भी लोक स्वामी की पत्रकारिता के प्रशंसक रहे हैं। एक पाठक के नाते हम ये इस बात को कह सकते हैं कि लोक स्वामी अखबार ने समय समय पर जिन लोगों के खिलाफ अपने अभियान चलाए हैं, वो अभियान जो है दरिंदगी के खिलाफ अभियान है, गुंडागिर्दी के खिलाफ अभियान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है। उसकी लेखन शैली, उसकी जो प्राथमिकता है, गुनाहगारों को सजा दिलाने की, गुनाहगारों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में लोक स्वामी इस नगर के अखबारों में अग्रगण्य रहा है। प्रजातंत्र का चौथा खंभा जिसे कहा जाता है वो पत्रकारिता है। उसके संदर्भ में एक उक्ति जमाने से प्रसिद्ध है, आजादी के बाद से ये कहता रहा है कि जिगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वो अखबार जो सच्चाई को उद्घाटित करने का दावा करता है और जिसने सच्चाइयों को उद्घाटित करते हुए अपने आप को जनता के निकट पहुंचाने का काम किया है, उस अखबार पर हनी ट्रैप के मामले को लेकर के की जाने वाली कार्यवाही जो है वो अखबार जगत के लिए निंदनीय है। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि जीतू सोनी ने अब अपना साम्राज्य खड़ा किया, तब इंदौर के सभी अधिकारी क्या सो रहे थे? इन अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होने से साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। इससे पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी कमलनाथ सरकार की कार्यवाही को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। यह हनी ट्रैप, इसमें पूरे के पूरे मुख्यमंत्री अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े अधिकारी संलग्न हैं, मुझे जानकारी मिली है। और ये बहुत गंभीर बात है कि यदि अधिकारी संलग्न हो और अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के धमाके करें जैसा कि इंदौर में हुआ है, इस धमाकों से वे अधिकारी बच नहीं पाएंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ उन सब अधिकारियों को भी जो इसमें फंसे हुए हैं कि वो बेनकाब होंगे, और सरकार ने नहीं किया तो हम बेनकाब करेंगे। भोपाल बस स्टैंड पर मुंबई से आई बॉटल्स के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। कुछ रसूखदार बदमाशों ने पहले इन मॉडल्स के साथ गलत हरकत की और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आए। भोपाल में रसूखदार बदमाशों की गुंडागर्दी जारी है। बीती रात बस स्टैंड इलाके में इन बदमाशों ने दो लड़कियों के साथ गलत हरकत की और विरोध करने पर मारपीट करने पर उतर आए। अपने दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने दो मॉडलिंग करने वाली युवतियां मुंबई से भोपाल आई थी। रात में जब ये लोग बस स्टैंड पर बने भोजनालय में खाना खाने जा रहे थे, तभी लड़कियों को अकेला समझ इस रसूखदार गुंडे ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिससे हंगामे के हालात बन गए। ये लड़कियां भी उन गुंडों से भिड़ गईं। बाद में लड़कियों ने पुलिस स्टेशन जाकर घटना की जानकारी दी, जिस पर हनुमानगंज थाना पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर धारा 354, 294 और 323 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने गुंडों की तलाश शुरू कर दी है। सरकार भले ही बदल गई, मगर रेत खनन बदस्तूर जारी है। कुछ ही समय पहले कांग्रेस शिवराज सरकार को रेत खनन के विरोध में घेरती थी, मगर आज कांग्रेस खुद शासन में होकर भी रेत खनन नहीं रोक पा रही है। रेत माफिया खनिज विभाग पर आज भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। तमाम कार्यवाही के बाद भी रेत माफिया खनिज विभाग पर आज भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आज भी रेत का अवैध खनन तेजी से हो रहा है। कुछ सालों पहले शिवराज सरकार को घेरने वाली कांग्रेस आज खुद ही अवैध खनन पर रोक लगाने में असमर्थ दिख रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। दरअसल मामला गाडरवारा का है,
जहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई गाडरवारा के आसपास और एनटीपीसी के एरिया में ही की गई है। कार्रवाई में खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन, गाडरवारा एसडीएम सहित कई अधिकारियों ने एनटीपीसी पहुंचकर वाहनों की जांच की। वहीं एनटीपीसी में पाया गया कि अवैध खनन की हुई रेत के ढेर रखे हुए हैं। पहले भी एनटीपीसी में हो रहे इस अवैध खनन की शिकायत अधिकारियों से की जा चुकी है और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा चुका है, पर इसके विपरीत आसपास बदस्तूर अवैध खनन जारी है। एनटीपीसी के जो अवैध भंडारण हैं उनको लेकर मेरे द्वारा पहले भी कलेक्टर नरसिंहपुर, जिला खनिज अधिकारी नरसिंहपुर, एफडीएम गाडरवारा को शिकायतें की गई थी, जिसके बाद वहां पर खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त अमले के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था एवं पाया गया था कि बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण किया गया है, जिसको लेकर वहाँ पर बीएनडीआर कंपनी के विरुद्ध 2 करोड़ रुपये का जुर्माना और सस्ती की राशि 4 करोड़ रुपए, करीब 6 करोड़ रुपए, और एसटीएक कंपनी के विरुद्ध करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए सस्ती और प्रशमन दोनों की राशि मिला के लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए, जिसको एनटीपीसी के अधिकारियों की मिली भगत से प्राइवेट कंपनी एसटीएक बीएनडीआर ने चोरी करवा लिया, जिसको लेकर मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को शिकायतें की गई हैं और उस पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो मैं एनजीटी एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश की शरण लेने के लिए बाध्य हूँ। हमारे संवाददाता ने एनटीपीसी अधिकारियों से उनका पक्ष जानना चाहा तो इस पूरे मामले में एनटीपीसी अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रेत का इतना अवैध खनन किया गया है कि रेत के पहाड़ बना दिए गए हैं। इस तस्वीर से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ अवैध खनन किस तादाद में किया गया होगा। इतने व्यापक पैमाने पर किया गया खनन अकेले तो नहीं हुआ होगा। इसमें सफेद पोशों और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इन खनन माफियाओं पर पहले कभी कार्रवाई नहीं की गई हो। इन पर कार्रवाई भी की गई और जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। जब इस मामले में स्थानीय अधिकारियों से सवाल किया गया तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। इतने दिनों से अधिकारियों की नाक के नीचे खनन माफिया अपना काम करते रहे और इन अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। एनटीपीसी के आसपास के क्षेत्रों में आरटीओ, माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और वहाँ 8 डंपर खाली, जिसमें विभिन्न कारण थे, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था या बीमा नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, प्रॉपर उनके पास कागजात नहीं थे, 5 ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी हुई जिनमें भी अनियमितता पाई गई थी, 2 ट्रक रेत से भरे हुए, 1 मिक्सर मशीन और 1 जेसीबी और 1 हाइड्रा, ये चेकिंग के दौरान जब्त किए गए हैं और इनके विरुद्ध विभिन्न अपराधों में कार्रवाई प्रचलित है। इसके अलावा 2 अवैध रेत के स्टॉक भी जब्त किए गए हैं। सरकार भले ही अवैध खनन रोकने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा लेती हो, लेकिन सच्चाई यही है कि गाडरवारा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अवैध खनन उसी तेज रफ्तार से चल रहा है जैसी रफ्तार से पिछली सरकार में चला करता था। अवैध खनन रोकने के आदेशों की धज्जियां उड़ाते ये खनन माफिया नजर आ रहे हैं। अब कमलनाथ सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि इन माफियों में डर का माहौल पैदा हो सके, नहीं तो बयानबाजी होती रहेगी और अवैध खनन चलता रहेगा। कल एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था जिसमें मैं एसडीएम गाडरवारा, जिला परिवहन अधिकारी, जिला माइनिंग अधिकारी, जॉइंट ऑपरेशन चारों विभागों द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अवैध परिवहन हो रहा है और वाहन जो चलाए जा रहे हैं उससे अवैध परिवहन किया जा रहा है और क्षेत्र में बारीक से बारीक जानकारी एकत्र कर उस पर कार्रवाई करने का लक्ष्य था। ये टीम रवाना हुई, इसमें 7 फिक्स पॉइंट लगाए गए थे, कट ऑफ पॉइंट भी थे, जहाँ से वाहन निकलने की संभावना थी वहाँ पे सभी जगह लगाए गए और पूरी कार्रवाई के दौरान 8 डंपर, 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 ट्रक रेत भरे हुए, 1 मिक्सर मशीन और 1 जेसीबी मशीन ये बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है और कार्रवाई हुई है इसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।